बाद बड़ी मस्तानी होगी क्योंकि बहुत सारी गल्ला गुड़िया होंगी और हो भी क्यों ना, मौका भी है और दस्तूर भी। बबीता और हनुमान की शादी का पहला फंक्शन जो है, और फंक्शन है मेहंदी और संगीत का, जिसमें आज पूरा परिवार दिल खोल के नाच रहा है, या फिर यूँ कहें कि पूरा मोहल्ला जानो आज झूम रहा है। इस टाइम एक्चुअली हल्दी हुआ नहीं, उपतन हुआ, तो मैंने हल्दी की ड्रेस मेहंदी पर पहन ली एंड इट्स ऑल येलो, इतनी सारी चूड़ियों के साथ, झुमके के साथ। तो डांस है इसे थोड़ा लाइट लाइट रखा है, बाकी सब कुछ तो यस आई एम टोटली रेडी एंड बहुत मजे कर रही हूँ मैं। थोड़े ढंग के कपड़े दे दिए आज हमें, पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मेहंदी में ही हूँ मैं तो आज। सिर्फ हाथ में मेहंदी नहीं है, मुझे लग रहा है मैं पूरा ही मेहंदी रंग का हो रहा हूँ आज। बबीता और हनुमान के रिश्ते को सभी ने दिल से अपनाया है और यही खुशी बबीता के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। जरा आप भी देखिए किस तरह से वो मेहंदी लगवा रही है और बबीता की इस खुशी को चार चांद लगा रही है उसकी अपनी बेटी मिनी, जो अपनी माँ की मेहंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहती थी वैसा ही हुआ है क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ये परफेक्ट उसकी ड्रीम शादी होगी, कि मे बी जो पहली शादी में उसके अरमान रह गए हों वो इस शादी में मैं कंप्लीट करूंगी। तो मैं सब कुछ फ्रॉम डेकोरेशन टू स्नैक्स, लाइटिंग और ड्रेस, एवरीथिंग मैं देख रही हूँ खुद अपने हाथों से, ताकि मेरी माँ की शादी एकदम परफेक्ट हो एंड वो खुश रहे क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, मैं तो ऐसे ही डांस करती हूँ क्योंकि मेरे खून में है डांसिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है सेट पर भी, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, झूम रहे हैं और मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी माँ की शादी है, तो हम सब कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। जिंदगी की शुरुआत करने की हम दोनों कोशिश तो कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी घबराहट है, पर देखते हैं अभी यहाँ तक का सफर तय किया है, होप आगे का भी सफर हो जाए कम्प्लीट। फिलहाल के लिए मिनी बबीता और हनुमान को मिली ये खुशियों की सौगात यूं ही इंजॉय करने देते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नन्हा सा परम आज फूट फूट कर रो रहा है, अपनी माँ मेहर से गुहार लगा रहा है कि माँ
दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है। पर मेहर दिल पे पत्थर रखकर दरवाजा बंद करके दूसरी ओर रो रही है। बेबसी और लाचारी क्या होती है, ये मेहर के आंसुओं को देखकर पता चल रहा है, क्योंकि नन्हे से परम का दिल कौन दुखाना चाहेगा। मम्मा ने डांटा इसके लिए, मम्मा ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और मम्मा ने मुझे डांटा भी, उन्हें मुझे रूम से बाहर निकाला। मेहर परम से बहुत प्यार करती है, पर सरबजीत की वजह से वो परम के लिए दरवाजा नहीं खोल रही, क्योंकि सरबजीत ने मेहर को कह दिया है कि वो परम से अपनी दूरी बनाए रखे। पर परम बेचारा इस बात से अनजान है, वो तो बस ये सोच रहा है कि वो अपनी माँ के पास जाकर सो जाए, लेकिन उसकी माँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। रोते रोते परम दरवाजे पर बैठ गया। फिर क्या, मेहर पिघल गई, उसकी ममता ने उसे मजबूर कर दिया दरवाजा खोलने पर। लेकिन ऐन मौके पर सरबजीत आए और परम को ले गए। फिर उसे बिठा कर फुसला कर उससे बातें की, ताकि परम का ध्यान भटक जाए। इसकी वजह मैं ही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि परम जो मेहर के नजदीक जा रहा है वो ना जाए, बिकॉज मेहर इस घर में कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएंगी, और जब वो चली जाएंगी तो वो अटैचमेंट परम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है उसे। इसलिए बीइंग अ डैड, बीइंग अ फादर, मैं चाहता था कि परम जितनी दूरियाँ उनके साथ रखे उतना ही बेटर है। वही पॉइंट है मेरा कि अभी जो मेहर यहाँ पर है तो वो जितनी ज़्यादा दूरियाँ उससे बढ़ाएंगी और जितनी नफरत परम के मन में पैदा करेगी उससे मुझे हेल्प मिलेगी ऑब्वियसली, बिकॉज परम वापस मेरे पास आ जाएगा, वो मेहर से अटैच नहीं रहेगा। सरबजीत, आपकी कोशिश वैसे हमें नहीं लगता ज्यादा रंग लाएगी, क्योंकि परम और मेहर की डोर मजबूत होगी तभी तो आपके और मेहर की रिश्ते की भी डोर जुड़ेगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बदल के अपना भेस, दिव्य दृष्टि ने की है घर वापसी। पिशाचिनी को मात देने के लिए दिव्य दृष्टि वापस लौट आई हैं, पर उन्होंने एंट्री अपने असली रूप में नहीं ली है, भेस बदल कर एक नया मेकओवर लिया है दोनों ने। आप भी देखिए इनके इस रूप को। हम हैं लंबूलाल सेठ। तो क्या जानना चाहते हो? इट्स अ वेरी गुड चेंज, क्योंकि पहले तो डी वॉज अ वेरी मॉडर्न, वेरी कूल, वेरी आउटगोइंग, वेरी कैजुअल आभूषण थे मेरे। यहाँ पे भेस बदल करने के बाद यू आर गेटिंग टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट अटायर, डिफरेंट लुक्स, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि तुम पे ये लुक बहुत सूट कर रहा है। मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, इट्स नॉट हैवी, इट्स हल्का एंड टिप टॉप है, बहुत सुंदर गहने हैं, एट द सेम टाइम नथिंग इज हैवी ऑन मी। दोनों बहनों ने काफी कुछ प्लानिंग की है, क्योंकि इस बार पिशाचिनी को वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि पिशाचिनी ने रक्षित को अपने साथ कर लिया है और पूरे परिवार के साथ भी एक साजिश की है। साजिश ये कि हर घंटे हर घर वाला बूढ़ा होता जाएगा, उसकी जवानी कम होती जाएगी। ठीक है, पिछले जन्म में जब हम लोग जी रहे थे तभी बहुत डेयरिंग की थी हमने, डर भी रहते, लेकिन अभी थोड़ा दूसरा रूट यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रह रहे हैं, थोड़ा वी शुड ऑलवेज ट्राई अल्टरनेटिव वेज। तो मैं और मेरी बहन अपने घर में आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी किसी और को हार्म किए बिना नहीं, क्योंकि साचिनी पूरे खानदान को अभी कंट्रोल कर रही है। इट्स नॉट अबाउट दिव्या दृष्टि एनीमोर, इट इज़ अबाउट
पूरा खानदान, तो इसलिए भेस बदल के आना पड़ रहा है। सरप्राइज हो जाती होगी क्या क्या करती है, सडनली उसने सबको बूढ़ा बनाना शुरू कर दिया है, सो एवरीवन इज गेटिंग ओल्डर बाय द डे और हर एक घंटे में उनकी एज बढ़ती जा रही है। तो ऑफकोर्स शाचिनी का इसमें कोई महा प्लान है और वो चाहती है कि ये लोग और सफ़र करें फैमिली, तो अब देखो आगे क्या होता है। आपने देखा ही होगा कैसी है शाचिनी, ढीट है, ढीट एक नंबर की, एंड शी डजंट गिव अप। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है शाचिनी का, शी डज नॉट गिव अप। अगर वो हार भी जाती है तो भी शी बाउंसेस बैक एंड गिव्स इट बैक। सो लेट मी सी अभी शाचिनी क्या करती है। अब इस मुसीबत से दिव्य दृष्टि कैसे बचाएंगी अपने घर वालों को, ये देखना दिलचस्प होगा। दिव्य दृष्टि वापस मर के वापस लौट आए हैं, तो वापस लौट आने के बाद इंसान और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, कहते शेर से ज़्यादा डरावना घायल शेर होता है। तो अब देखना हम उस पिसाचनी पे कैसे भारी पड़ते हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट। बहन के लिए साजिश, और देखिए उस साजिश के चलते ये बहन तो एकदम से फिल्मी हो गई। अब आम तौर पर लड़की गिरती है और उसे बचाने के लिए लड़का आता है, लेकिन यहाँ पर ये सीन एकदम उल्टा हुआ है, जहाँ पर हीरो गिर रहा है और हीरोइन उसे बचाने आ रही है। वाह, और देखिए ये सीन भी कितना रोमांटिक हो गया, ना चाहते हुए भी पूजा और कबीर एक दूसरे की बाहों में गिर गए। रानी का कुछ और मोटिव था, बट इट एंडेड अप कि हम लोग नीचे गिर जाते हैं और तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। मस्त है, हमारा वॉशरूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और हमेशा बाथरूम में सब कोई भी आ सकता है। बाथरूम में कोई ना कोई तेल छोड़ के रखता है वहाँ पे नीचे। मैं 3 बार गिर चुका हूँ और मैं बचाती हूँ। हमेशा बताती है, फिर आर के पोज होता है। नहीं, आई थिंक कोई मोटिव नहीं था, बट मोटिव था इसको बचाने का। इसका पैर स्लिप होता है और मैं उसको बचाने जाती हूँ। हाँ, इंसिडेंटली कहीं से पीछे से गाना चल जाता है और हम दोनों का वो 1-2 मिनट का जो फुटेज निकालने का सीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बहन ने सोचा क्या था और हो क्या गया। अब चलिए कोई नहीं, इसी बहाने इन दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस तो हुआ, इन्हें एक दूसरे की आंखों में आंखें डालने का मौका तो मिला। इसके लिए तो हमें रानी का ही शुक्रिया अदा करना होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रिश्ते हैं प्यार के बप्पा की, आज विदाई हो रही है। बप्पा जितनी धूमधाम से आए थे उतनी ही धूमधाम से आज उनको विदा किया जा रहा है। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी आज सेट पर पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ बप्पा को विदा करने।
बापा की विदाई में शो की पूरी टीम शामिल है। मिष्टी, कुहू, कुनाल ये सभी आज बापा की विदाई में हिस्सा ले रहे हैं। बप्पा की विदाई में कुहू और मिष्टी का स्वैग देखने लायक था। जरा इनका अंदाज तो देखिए, नववारी साड़ी, सर पर फेटा, फुल ऑन देसी अवतार में बप्पा की विदाई की कुहू और मिष्टी ने। मैंने पहली बार की लाइफ में कि मैंने गणपति जी का खुद के हाथों से विसर्जन किया है और आई थिंक आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीलिंग के हाँ ये अद्भुत 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 अविस्मरणीय हम भूल नहीं सकते। एंड थैंक्स टू राजन सर फॉर गेटिंग गणपति ऑन आवर सेट। विवेक जी के चॉइस है आरिफ और विवेक जी। एक्चुअली डीकेपी की तरफ से आरिफ और विवेक जी हर साल ये जो पूरा ये जो डेकोरेशंस करते हैं और मिल के पूरी टीम्स के साथ करते हैं एंड मेरे लिए ये सरप्राइज होता है उस दिन, उसी दिन पता चलता है मुझे कि हाँ क्या कर रहे हैं लोग। फर्स्ट ईयर था तो इसलिए हमने बाल गणेश हमने सेम रिश्ता में भी किया था कि हमने पहले साल बाल गणेश रखा था, फिर धीरे धीरे हम उनके अलग अलग रूप को लेकर आते हैं विथ ऑल ग्रेस। कि अगले साल फिर से आए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, कुनाल का रिश्ता मजबूत हो जाए, मीनाक्षी को सद्बुद्धि दे। जो सबसे बड़े एक पिलर होते हैं एक शो के, हम तो जैसे वो है कैप्टन ऑफ द शिप, तो शुरू से मैंने कहा है कि आशीष जी शुरू से और हमारे विशाल जी जो हमारे डीओपी हैं, ये दो एक पिलर्स हैं शो के और सारे सेट को एक कंट्रोल करना प्यार से और एक एक पूरी गाड़ी अच्छी बनाना बाय द कैप्टन ऑफ द शिप एंड हिज एड मिस्टर विशाल। बट रियली थैंक यू सर, ये पॉजिटिविटी आपकी वजह से। बाप्पा की विदाई से पहले सभी ने मिलकर पहले बाप्पा की आरती की, उनसे अपनी अपनी इच्छाएं मांगी और फिर शुरू हुआ ढोल का बजना, क्योंकि वक्त हो चला था बाप्पा की विदाई का। फिर क्या था, किस तरह से सभी लोग झूमे ये आप भी देखिए। हमने मिलकर स्थापना करी पहले दिन और जो एक प्यार से पापा को वेलकम किया, उतने ही प्यार से उनको आज हम अलविदा कह रहे हैं, मगर ये प्रॉमिस लेके कि अगले साल हम साथ में उनका स्वागत करेंगे बाबा। उन्होंने प्रॉमिस दिया हमें। क्या प्रोड्यूसर, क्या डायरेक्टर, हर कोई झूम रहा था पापा की विदाई में। बारिश भले ही कितनी भी हो पर इन सभी का जोश कम नहीं हुआ। बाप्पा की भक्ति करते हुए, गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हुए इन्होंने बाप्पा को विदा किया और बस सच्चे दिल से यही कहा कि बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आना, हमें आपका इंतजार है। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। Thank you.
इसलिए आप हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा, और जो मैंने देखा वो सब क्या था शायरा? नूर हमजान को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो आपसे ऐसे बेरुखी से पेश ना आए, तो ये उसके सामने क्यों नहीं समझा? तब भी कुछ नहीं बोली जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था, इसी वजह से। जुबानी जंग शुरू हो चुकी है शायरा और नूर के बीच। दोनों सौतने एक दूसरे पर खूब वार कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे पे अपने निकाह को खराब करने का ठीकरा फोड़ रही हैं। तुम अपने शौहर को बांट सकते, लेकिन मैं हमने कभी नहीं कहा कि हम इस दो निकाह के फेवर में हैं। तुम्हारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। जो तीन लोग निकाह में बंधे हैं उनका फैसला हो सकता है। रजिया ने हमेशा अपने बेटे को इनकरेज किया है कि वो अपने लिए सोचे और अपनी सोच से काम करे, कभी अपने थॉट्स को इम्पोज नहीं किया है किसी पे, तो उनका फैसला तो वो इम्पोज नहीं करेंगे किसी पर। ना शायरा अपनी गलती मान रही और ना ही नूर। ये दोनों सौतने आज एक मौका नहीं छोड़ रही, एक दूसरे पर एक एक कर दोनों जुबानी तलवार चला रही हैं। अजान से निकाह करना आपकी जिद, जब जिद पूरी हो जाए तो वो जिम्मेदारी बन जाती, जिम्मेदारी निभाना सीखिए। मुझे तुम्हारी सलाह की ना कोई जरूरत। इन दोनों की जुबानी जंग पे लगाम लगाने पहुंच गई बहू बेगम यानी कि रजिया। उन्होंने दोनों को खरी खोटी सुनाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने साथ दिया शायरा का और नूर को कुछ ऐसा कहा जो शायद नूर ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आप दोनों में कोई भी छोड़ी हुई औरत होगी तो वो आप ही होगी, और वो भी बहुत। बहू बेगम रजिया जो मैं हूँ एंड जो दो छोटी बेगमें हैं शायरा और नूर, उनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन का सीन है, क्योंकि अब जब घर में दो निकाह हो ही गए हैं और दो बहुएं आई हैं, ऑब्वियसली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और रजिया जो बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग यू नो लेडी हैं, वो उनको इस किस्म की तकियानुसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो वो बरस पड़ती हैं नूर पे। यहाँ रजिया बेगम ने दोनों को शांत किया तो अगले ही पल फिर से इनकी जुबानी जंग शुरू हो गई, और इस बार इस जंग में सुरैया भी शामिल थी। शायरा की खामोशी अब नहीं रही है, वो कोई मौका नहीं छोड़ रही। शायरा भी बराबर जवाब दे रही है। आपकी ये कमीनी सोच में काम नहीं आएगी। मैंने क्या कहा कि हमें शायरा की तरह सोचना सीखना होगा। नूर, आपको शायरा बनने की कोई जरूरत नहीं, आप बस वही नूर बन जाए जो जान की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन उसके पहले आपको तीन चीजों से बहुत दूर रहना होगा, बुरे खराब, बुरे काम और बुरी संगत। अब घर में दो सौतने लड़ रही हैं और इस लड़ाई में तड़का देने का काम सुरैया मोहतरमा कर रही हैं। बिरयानी हमें भी मिलेगी या फिर सिर्फ अजान के लिए बनाई है? कमाना चाची, आप तो सारा दिन खिचड़ी पकाते रहते हैं, रायता खिलाते रहते हैं, तब भी आपका पेट नहीं भरता। अब इनकी लड़ाई किस हद तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस लड़ाई के साइड इफेक्ट तो अजान पे ही होंगे। कैमरामैन मोहम्मद जावेद यूसुफ के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।